दोनों तरफा जितने से कि देखा जाए जैसे को तैसा मिला, बहुत बड़ा मजा आया। मैं तो यही कहूंगा अक्षय जी, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है सिलसिला टैकर पॉइंट का, हर रेड को यहाँ पे ना कामयाब करना दोनों के लिए चैलेंज रहेगा, दोनों टीम के लिए। बीजी पुणे आर्मी ने यहाँ पे टैकल किया, उससे पहला टैकल किया आने वाले रेड में नितिन को किया था, जिस तरीके से इधर टैकल था उधर टैकल, आपने सामने टी फॉर टैन, ये बहुत ही बड़ा अहम किस्सा है कि डिफेंस के ऊपर ये मैच रहने वाला है। परेशरण ने काफी दमखम दिखाई और परेशरण के रेड पॉइंट के ऊपर से और यहाँ पे डिफेंस के ताकत से आगे बढ़ते हुए इस मैच में 11 पॉइंट का फासला आप रखा है पुणे आर्मी बीजी के सामने। हैंडसम कबड्डी प्लेयर जिसको कहते हैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा का ये खिलाड़ी, अब रेड है सिद्धेश सावंत आगे रेड के ऊपर, क्या सावंत इस रेड में पॉइंट ले पाएगा? सावन की रेट बोनस ऑन है, राइट कॉर्नर में रेट की तलाश में है, पॉइंट क्या मिलेगा? बोनस कवर करके डिफेंस खेल रहा है, जख्मी शेर ये तो है, लेकिन जख्मी शेर क्या धाड़ लगाएगा? क्योंकि शेर का मुकाबला जंगल में होता है, सामने शिकार बहुत है और अकेला शेर क्या झुंड के बाहर निकल पाएगा इस रेड में? सिद्धेश सावन वापस गया, अच्छा स्ट्रगलिंग था, फुटवर्किंग बेहतरीन था, राणे के बाद सपोर्टिंग रेडर आ गया, एंटी सपोर्टिंग रेडर सिद्धेश की यहाँ पे रेड, आप सिद्धेश यहाँ पे बकलाइन के पास वक्त निकाल रहा है, पूरी दुनिया यहाँ पे कबड्डी का माहौल, माननीय नीलेश जी सामने साइमन सब भव्य आयोजन संपूर्ण महाराष्ट्र भर जग भर पोहोचवलं जाते हैं, कारण या पालघर जिल्ह्यातील वाडा सिटी मध्ये कबड्डी स्पर्धेचं काय आयोजन केलं नितांत पहिला आपण, तर वाडा शहरात कबड्डी संघ नाहीये, वाडा शहराच्या आजूबाजूलाच पहिला आपण वाडा पूर्व विभाग, या 45 ते 48 गावांमध्ये कबड्डीची एकही टीम नाहीये आणि म्हणून संघ उभे राहावेत ह्या उद्देश ठेवून मी सामने साहेबांनी या ठिकाणी प्रो कबड्डी स्टार उतरताना राज्यस्तरीय व्यवसाय कबड्डी उभी केली आहे। आणि प्रेक्षकांचं या ठिकाणी पाहिलं आपण तेवढं प्रतिसाद मिळतोय, कारण सामने साहेब म्हटल्यानंतर समाजसेवेमध्ये वाहून दिले, प्रत्येक संकटाला उभं राहिले, कोरोनाच्या काळात प्लाझ्मा असो संपूर्णपणे ऍम्ब्युलन्स असो सर्वांच्या घराघरापर्यंत लोकांच्या डोळ्यातील पाणी पुसणारं व्यक्तिमत्व निलेजी सामने साहेब आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने कबड्डी स्पर्धेला या ठिकाणी प्रेमाचे आस्वाद दाखवताना उपस्थित झाले सगळ्या प्रेक्षकांना मात्र ग्रँड सेल्यूट। या ठिकाणी पाहतायत कबड्डीने ज्यांनी वाहून दिलं आम्हाला, ज्यांनी समालोचनामध्ये खऱ्या अर्थाने कबड्डीमध्ये आणलं, मॅन फॉर्म विक्रमगड कुरुंजे गाव कैलासवासी संतोजी शेलारचा स्टँड आणि पालघर जिल्हा कबड्डी असोसिएशनने उभं केलं कबड्डी महर्षी जी के प्रेस्टिजियस स्टँड मध्ये प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत। और यहाँ पे टैकल किया है, शायद मराठी में कुछ बोल रहे कि मला टच नहीं केला, जैसे संजय सर बोलते थे प्रो कबड्डी में कुछ मराठी में बात करते ऋषान नेवाड़ी का और जिस तरीके गिरीश ने बोलते थे उसी तरीके से ये खिलाड़ी भी बोल रहे हैं, कमाल की ये कबड्डी है, पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी स्पोर्ट ओट लाइव पे ये कबड्डी लाइव कवरेज की जा रही है। परेश सुपर टीम रेड पुणे करने वाला ये ग्रेट पॉइंट मास्टर
अभिमान असतो प्रत्येक गावाला, अभिमान असतो प्रत्येक स्थानिक संघाला. स्थानिक संघातून प्लेयर घडतो, त्यानंतर मात्र मोठ्या संघात व्यावसायिक संघाकडे जातो, चांगले कोच मिळतात आणि त्यानंतर मात्र नॅशनल कबड्डी प्लेअर बनताना, व्यावसायिक संघ खेळताना, प्रो कबड्डीची स्वप्ने बाळगताना ग्रामीण भागातील कबड्डीपटू पुढे जावेत या दृष्टिकोनातून सांबळे साहेबांनी खऱ्या अर्थानं वाडा शहरात पहिल्यांदा भारत स्वतंत्र झाल्यापासून या ठिकाणी प्रो कबड्डी स्टार आणि व्यावसायिक कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन केलंय. इतिहास हा घडवावा लागतो, रचावा लागतो, लिहावा लागतो, तो बोलला जातो. आणि आता चढाईवर येतोय कोण तर सिद्धेश. बँक ऑफ बडोदाचा हा चढाईपटू पावलांनी बंद बंद पावलांनी रेड करतोय. सामना भन्नाट होणार आहे. 9 गुणांच्या आघाडीवर बँक ऑफ बडोदा. नक्की 2016 मध्ये आपण पाहिलं होतं व्यावसायिक राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, नाशिक आर्मी हा संघ मात्र जबरदस्त खेळला होता, ज्यांनी फायनल मिळवली होती. त्या स्पर्धेमध्ये प्रो कबड्डी स्टार खेळले होते. अगदी पाहिले होते आपण युमुंबाच्या अनेक खेळाडू, एअर इंडियाचे अनेक प्लेअर, त्याचबरोबर पाहिलं महेंद्र खेळाडू, BPCL, बँक ऑफ बडोदा, पुणे आर्मी, असे अनेक खेळाडू पाहिले होते आपण खेळताना युवा पलटण. आता मात्र नवीन नवीन संघ व्यवसाय तयार होताना पाहत आहेत. या पुढचा भन्नाट सामना असेल सेंट्रल रेल्वे बिग अँड ह्यूज टीम समोर संजय घोडावत नगर संघ. और इस बार देखा जाए राणे रेड के ऊपर है, लेफ्ट कॉर्नर में राणे यहाँ पे निकले, फंसा दिया राइट कॉर्नर के चेन को तोड़ के आ गए. वाह भाई वाह, मजा आएगा, देखते रहिए कड़ा मुकाबला. एक एक गलती भारी हो सकती है बीजी पुणे आर्मी टीम के लिए. और यहाँ पे देखा जाए लुप्त उतारते हुए पूरा क्राउड. अब यहाँ पे रेड है नितिन रेड के ऊपर है, नितिन पिल्ले इलेर के ऊपर है. लेफ्ट कॉर्नर की शुरुआत की बताई बात, बहुत अच्छा प्रयास करता हुआ नितिन पिल्ले यहाँ पे चेन को गर्म करके वापस आया. आप रेड के ऊपर आया फिर से, वक्त निकालने वाला रेडर. अब तक जितनी भी रेड किए वक्त निकाल रहा है. एंटी सपोर्टिंग रेडर इसको कहते हैं. ये सिद्धे बैंक ऑफ बड़ौदा का सामने वाली विरोधी टीम को ये जिस तरीके से चैलेंज देता है कि मैं वक्त निकाल रहा हूं, टीम लीड पर है, 10 पॉइंट का सामना आपके सामने है, किस तरीके से तय कर पाओगी, या सिद्धेश की रेट चलेगी या नितिन की. आखिरी 3 मिनट बाकी है. याद आ रही युमुम्मा टीम ने जो मैच निकाला अनुप कुमार ने, बेहतरीन अनुप कुमार जी ने गेम प्लानिंग किया था और युमुम्मा जीती थी बंगाल वॉरियर के सामने. उस मैच की याद दिला देंगे बीएजी पुणे आर्मी या मैच के ऊपर शिकंजा मजबूत कसके खड़े रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा टीम. देखते रहिए. और ये देखो नितिन पिल्ले को टैकल किया, मेन रेडर को बाहर किया है और रेफरी बता रहे यहाँ पे टैकल पॉइंट. पॉइंट का फासला अब 11 का हो चुका है. फिर से आया रेड के ऊपर रेडर राणे. राणे और खास करके परेश हरण ने जो सुपर टेन पूरा किया उसके वजह से टीम लीड पर रही. राइट कॉर्नर राइट टर्न, लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट टर्न और सेंटर का जो कॉम्बिनेशन बेहतरीन चला है और कोच काफी खुश रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा टीम ने क्योंकि युवा खिलाड़ी है. दोनों टीम में कोई प्रो कबड्डी स्टार नहीं है, फिर भी आने वाले समय में यह आगाज है कि इन दोनों टीम में और बहुत सारी टीमें ये युवा खिलाड़ी आगे प्रो कबड्डी में जरूर जाएंगे और हम भी ट्राई करेंगे. आप यहाँ पे रेडर रेड करता हुआ राइट कॉर्नर में पॉइंट की तलाश में. 11 पॉइंट का फासला है. 36-25 बोनस पॉइंट लेके आया सिद्धे सावंत पुणे आर्मी का रेडर. अब राणे आ गया रेड के ऊपर, टू और डायरेड प्रणय राणे रेड के ऊपर, डू और डायरेड थर्ड रेड पे है प्रणय राणे. अब इस बात देखा जाए लेफ्ट कॉर्नर में रेड है कॉन्फिडेंट के साथ या बेथू और डायरेड पे राणे है. समय बीतता हुआ छलांग लगाई राणे आ गया, टर्निंग पॉइंट ऑन द मैच. जो बोले सोनिया सस्रिया का कोच ने यहां पे आके दिखाई राणे जिस तरीके टूट पड़े इस डिफेंस के ऊपर और आ गया शेर और जख्मी शेर है सिद्धे सावन. मैच अब कठिनाई में जा चुका है बीजी पुणे आर्मी के लिए.
इससे पहले जो मैच खेली थी पुणे टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया था कल के नाइट में, जो परफॉर्मेंस था कस्टम टीम के सामने।